फ्रेंड्स, आज मैं आपके पास बचे हुए चावल से टिक्किया कैसे बनाते हैं वो वीडियो दिखाऊंगी पूरा, आप एंड तक देखना। और यहाँ पे मैंने कुछ डाला है ऐसा कि आपकी जो टिक्किया है बहुत क्रिस्पी बनेगी। तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है छाया आड़तिया, चलो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज लिया है आधा कप, मैंने शिमला मिर्ची लिया है काट के, यहाँ पे आधा कैरेट लिया है मैंने, आधा कप मैंने धनिया लिया है, एक कप मैंने चावल लिया है और आधा कप मैंने बॉईल किया हुआ आलू लिया है। यहाँ पे हम लोग पहले चावल डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग गाजर डाल देंगे, फिर कैप्सिकम डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, धनिया डाल देंगे, आलू डाल देंगे। ये सब हम लोग मिक्स करने के लिए इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अगर आपको गेहूं का आटा के बेसन डालना है तो आप डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है। इससे क्या हमारी जो टिकिया है क्रिस्पी बनेगी और अंदर से सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पे मैंने 5 टेबलस्पून ले लिया है, आपको ऐसा लगे तो ज़्यादा ले सकते हो। यहाँ पे मैंने चाट मसाला डाल दिया है, हल्दी डालूँगी मैं, फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग लाल मिर्ची डाल देंगे, नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग तीखा बनाने के लिए अदरक और मिर्ची की पेस्ट लेंगे। तो इससे हमारा टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा, अगर तीखा बनाते हो तो बहुत टेस्टी बनेगी। और बचे हुए चावल हम लोग ज़्यादातर फेंक देते हैं, तो आप इस चावल से इतनी बढ़िया टिक्किया बनाएगी। तो हम लोग इसको मिक्स कर लेते हैं, एकदम मस्त मिक्स कर लेंगे। अगर आपको आटे की ज़रूरत पड़े तो आप ज़्यादा ले सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग डो रेडी कर दिया, अभी हम लोग टिक्किया इसकी कर देंगे रेडी। तो यहाँ पे मैं टिक्किया बनाती हूँ, गोल गोल बना के आपको प्रेस करना है। वैसे ही हम टिक्किया बनाते हैं, अगर आपके पास मोल्ड है टिक्किया का तो आप टिक्किया का मोल्ड के हिसाब से भी बना सकते हो, बहुत सारा बाज़ार में मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको पूरा टिक्किया रेडी कर देंगे। तो ये मेरी रेडी हो गई है और हम लोग इसके बाद यहाँ पे सैलो फ्राई करेंगे। इसको आप तल भी सकते हो, सैलो फ्राई भी कर सकते हो, मैंने सैलो फ्राई किया है। एक कढ़ाई में थोड़ा ऑयल लिया है और उसके अंदर मैं टिक्किया धीरे आंच पे रखूँगी। इसको हमको धीरे आंच पे करना है क्योंकि अंदर तक वो पकेगी और ऊपर से क्रिस्पी रहेगी, अंदर से थोड़ी सॉफ्ट रहेगी। तो फ्रेंड्स, हम जब भी बचते हैं चावल तो हमको ऐसा लगता है क्या करें फेंक देते हैं, लेकिन आप इससे बहुत अच्छी टिक्किया बना सकते हो। आपको कोई बोलेगा भी नहीं कि ये चावल से बनाई हुई टिक्किया है। तो आप देख सकते हो कितना मस्त ब्राउन कलर आ गया है इसमें, और इसको दूसरी साइड भी हम लोग ऐसे ही धीरे आंच पे कर देंगे। तो वैसे ही हम लोगों को पूरी टिक्किया रेडी कर देना है। तो ये मेरी टिक्किया अभी रेडी हो गई है, अभी यहाँ पे हम लोग इसको निकाल देंगे धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे मैं सारी टिक्किया निकाल दूँगी, कितनी बढ़िया लग रही है देखने में, खाने की इच्छा हो गई ना फ्रेंड्स। तो वैसे ही आप लोगों को घर पे ऐसे ही सिंपल तरीके से मैंने आपको रेसिपी बताई है, तो आप घर पे बना सकते हो। मैं दूसरी बार का भी डाल देती हूँ, हमारी टिक्किया सारी रेडी करके रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं सारी टिक्किया रेडी कर दूँगी, तो मैंने सारी रख दी है इसके अंदर। अब इसको भी वापस हम लोग पीछे घुमाएँगे और अच्छी तरह से इसको पकाएँगे धीरे आँच पर। इसको फास्ट नहीं रखना है क्योंकि इसके अंदर अंदर कच्चा रह जाएगा, तो इसको स्लो गैस पे ही हमको करना है रेडी। तो ये भी हम लोग रेडी हो गई, अभी निकाल दे गए हम। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने सारी टिक्किया रेडी कर दिए, लुक वाइज बहुत अच्छी है, यम्मी है, टेस्टी है। आप अगर घर पे बनाते हो तो बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको बना सकते हो। अगर फ्रेंड्स नए चैनल पे हो तो मेरे वीडियो को देखना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आपके पास ऐसी ही रेसिपी लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।